जब आयशा जुल्का का दुपट्टा उतारने की जिद पर अड़ गए मेहुल कुमार। अभिनेत्री आयशा जुल्का ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म आंख में एक बेहद बोल्ड सीन के जरिए अपनी इमेज हॉट अभिनेत्री की बना ली थी। जाहिर है उन्हें अपनी फिल्म में लेने वाला हर निर्माता उनसे ऐसे ही सीन्स की अपेक्षा रखता था, लेकिन आयशा बोल्ड सीन तो करती थी लेकिन सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए और चुनिंदा लोगों के ही साथ। शायद उनकी लिस्ट में निर्देशक मेहुल कुमार का नाम शामिल नहीं रहा होगा, इसलिए जब मेहुल कुमार की साल 1991 में बनी फिल्म मेरे मन के में दुपट्टा हटाकर सीन देने को कहा तो आयशा ने सेट पर हंगामा मचा दिया। साल 1991 में निर्देशक मेहुल कुमार आयशा जुल्का और बंगाली अभिनेता प्रसेनजीत को लेकर फिल्म मीत मेरे मन के बना रहे थे। इस फिल्म के सीन में मेहुल ने आयशा से कहा कि वो अपना दुपट्टा हटाकर ये सीन दें। आयशा ने इससे इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने काफी टाइट कपड़े पहन रखे हैं, दुपट्टा हटाने से सीन वल्गर लगेगा, लेकिन मेहुल यही तो चाहते थे। इस बात को लेकर दोनों में ठन गई और दोनों अपने अपने जिद पर अड़ गए। मेहुल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो आयशा बोल्ड सीन्स में एतराज नहीं करती उसे दुपट्टा हटाने से भला क्या गुरेज हो सकता है। बात बढ़ी और शूटिंग रुक गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आयशा ने मीडिया में मेहुल कुमार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इतना हंगामा करने के बावजूद कुछ हल नहीं निकला और एक दिन आयशा मेहुल की डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो गई। दरअसल ये पूरी तरह एक प्यार गेम था जिसका मकसद आयशा को चर्चा में बनाए रखना था। आयशा के ऐसे टोटकों के कारण ही उनका करियर वक्त से पहले ही खत्म हो गया।